नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले हमको ये सिस्का का बॉक्स है, ये इसको हम देखते हैं। इस साइड में आपको मिल जाता है कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, यहाँ पर लिखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि आउटपुट पावर आपको 5 वॉट का है, नॉइज सिग्नल रेटियो 95 dB, और इसमें बैटरी जो चलेगा 5 घंटे बताया गया है। वायरलेस रेंज है इसमें 10 मीटर और बैटरी है 1000 mAh की। इसका मॉडल नंबर है KTS 42 और इसका जो MRP दिया गया है 2099, लेकिन जो इसका रियल प्राइस है वो इतना नहीं है। रियल प्राइस आपको मिल जाता है 1500 से 1600 तक। आपको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन में भी मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर है KTS 42 और इस साइड में आपको मिल जाता है कुछ इसकी जानकारी, जैसे कि सपोर्ट करेगा इसमें माइक्रो SD कार्ड और USB 32 GB तक, और वही USB केबल सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ स्पीकर है ताकि आप इसमें वायरलेस यूज कर सकते हो। बैटरी 1000 mAh की है और 5 घंटे तक इसका बैकअप देगा। तो दोस्तों इस बॉक्स को करते हैं हम अनबॉक्स, और सबसे पहले मिलता है एक स्पीकर जो कि मेटेलिक है, और इस बॉक्स को देखते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए बॉक्स पूरा खाली है और इसमें एक और बॉक्स मिलता है, स्मॉल बॉक्स है। तो इसको हम करते हैं अनबॉक्स। इसको निकाल के हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक मिल जाता है गाइड, मैनुअल गाइड मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस गाइड को रखते हैं हम साइड में, और एक मिल जाता है आपको ऑक्स केबल। इस ऑक्स केबल से आप फोन कनेक्ट कर सकते हो इस स्पीकर के, और भी काम कर सकते हो। यहाँ पर मिल जाता है आपको USB केबल, आपको केवल USB केबल मिलता है, इसमें एडाप्टर नहीं मिलता है। तो ऊपर की साइड में मिल जाता है एक सिस्का का लोगो बनाया हुआ और सिस्का का नाम लिखा हुआ है जो कि ब्लैक कलर में है, और ये पूरा पूरा मेटेलिक कलर में है, स्टील कलर में है। नीचे की साइड में, सबसे नीचे की साइड में देखेंगे ऑन ऑफ का बटन दिया है, उसके बाद वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए की, और प्ले पुच के लिए एक की मिल जाता है। इस कवर को हम रिमूव करते हैं तो हमको मिलता है एक USB स्लॉट, ताकि आप इसमें USB पेन ड्राइव आदि लगा सकते हो इसमें, और आप सुन सकते हो केबल वेबल। यहाँ पर मिल जाता है एक SD कार्ड स्लॉट, उसके बाद USB पोर्ट, और यहाँ पर तो 3.5 mm का एयरफोन जैक दिए गए हैं दो, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप है वो भी 5 hours तक, लॉन्ग टाइम तक है। और जो इसका ये जो बॉडी है वो भी प्योर मेटेलिक है, यानी कि बहुत वज़न है और हैवी है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और पूरा मेटल का है, यानी कि वज़न में देखेंगे तो इसको काफ़ी वजनी है, और आवाज़ भी इसका अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें।